बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी। जो पहले ऐसा होता था और इवन अभी भी होता है, लेकिन वो बहुत कम हो चुका है कि जो गर्ल्स हैं उनको उनके राइट्स का इतना अवेयरनेस पहले नहीं थी, ना ही उन्हें एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता था। और अगर वो करती भी हैं तो उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आज अगर हम आज का टाइम देखें तो हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। इवन हमारे पेरेंट्स ही हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा और आपको भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो हम उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है ये जो चेंज आया है ये कुछ सालों में आया है, क्योंकि जब से पीएम मोदी आए हैं उन्होंने काफ़ी चेंज लाया है सिस्टम में? यस मैम, बहुत ज़्यादा ही चेंज आया है और हमें हर जगह से, अब हम ये कह सकते हैं कि हर जगह से हमें ऐसे लोगों को देखने को मिलते हैं जो हमें बार बार यही कहते हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तो अच्छा है बहुत।